एक्सरसाइज 4.2 मैथ एंड साइंस। आज क्वेश्चन नंबर एक है 1 और x के माइनस 1 और x प्लस 1। x के माइनस 1 का फार्मूला होता है एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यानी a के माइनस b के इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b। तो x माइनस 1 और x प्लस 1, x प्लस 1 पहले दिया हुआ है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, हमने लिया पहले का a ओवर x माइनस 1, b ओवर x प्लस 1, c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, इस चीज को जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ जाएगा 1 आ गया, इसके साथ x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके साथ ये आ गया, c के साथ x माइनस 1 आ गया, इक्वेशन 2 बन गई। अब आगे चलेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब 1 को हमने इसमें पुट कर दिया, यहाँ पे भी x नजर आएगा, ये हमने पुट कर दिया। अब ये 1 और 1 2, ये आ गया हमारे पास 2 का स्केयर, ये 1 माइनस 1 0 आ गया, इसलिए ये सारी वैल्यू 0, ये भी 0 आ गया, ये 0, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसी तरह x प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। हम माइनस 1 को इसमें पुट करेंगे और हमारे पास c बच जाएगा, c का आंसर आ जाएगा माइनस 1/2। अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे इक्वेशन 2 को, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर खुल जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 1, c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b को मल्टीप्लाई किया, a को मल्टीप्लाई किया, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लिए हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट में x स्क्वायर वाले में a और b दो वैल्यू ली हुई है, a और b ले लिया आपने, इधर x स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, कोएफिशिएंट 0 होगा, a की जगह पे a की वैल्यू ये आपकी निकली हुई है 1/4, ये लगा दी तो b की वैल्यू -1/4 आ गई। अब सारी वैल्यू आपके पास अवेल होगी, आपने इनको पुट कर देना इक्वेशन 1 में, जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू आती है, a की जगह पे 1/4 है, b -1/4 है, c -1/2 है, इस तरह ये आपका आंसर आ गया।